एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल. दिस इज साक्षी अग्रवाल हियर इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू वीडियो ऑन ए न्यू टॉपिक दैट इज जून करंट अफेयर्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आपको जो भी अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले सकते हैं, फिर कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, व्हाट एवर यू थिंक फिट विद यू. एग्जाम यहाँ पे लिखे हैं जैसे कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर एसएससी, डीटीपीएस, केवीएस, एनवीएस, इन सभी एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा करंट अफेयर्स के सेक्शन में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला क्या है इसमें आपका, इफ़को इंट्रोड्यूसेस वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स. आपको पता होगा इफ़को क्या है, आपका फर्टिलाइज़र सेक्शन में एक बहुत ही बड़ा नाम है, और ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है. इफ़को ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया, जो कि पूरा क्या है, आत्मनिर्भर भारत के रूप में बना हुआ है, या फिर इस सेक्शन के अंदर इसको लिया गया है. नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, तो यूएस अवस्थी. आगे बात करें तो एक न्यूज़ WHO से रिलेटेड थी, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो उसको यहाँ पे कवर नहीं किया. बाकी WHO से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि इसका एक तो इस्टेब्लिशमेंट डे 7 अप्रैल, बाकी इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा और स्विट्ज़रलैंड. आगे बात करते हैं केरला का कावल प्लस प्रोग्राम. ये क्या है, एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, बट अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि कावल प्लस प्रोग्राम कहाँ का है, तो केरला का है. आगे बात की जाए तो इंडिया भूटान ने टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर इनिशिएटिव लागू किया. यानी कि अगर पूछा जाए कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर इनिशिएटिव किस दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ है, तो इंडिया और भूटान के बीच में. ठीक है, या फिर अब इंडिया ने अपने किस नेबर के साथ ये स्टार्ट किया है, तो भूटान के साथ में. आगे अगर बात करें तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी. अगर बात की जाए कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के उसमें किसको ऑनर मिला है, तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को. कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सेलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी. की पॉइंट्स इसके क्या है कि ग्लोबल बॉडी ऑफ एयरपोर्ट ऑपरेटर्स विच एस्टैब्लिश रोल ऑफ एक्सेलेंस रिकॉग्नाइजेशन टू एयरपोर्ट्स. ठीक है, यानी कि कोचिन को मिला है अपना एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में ऑनर. आगे बात करें कि एक वर्ल्ड का जो टॉप फिलेंट्रोपिस्ट था लास्ट सेंचुरी का, उसको किसको माना गया है, तो जमशेद जी टाटा को माना गया है. ये नाम अपन को याद रखना है. उससे आगे बात की जाए तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मर्जर किसका, CWC और CRWC का. अब ये है क्या, तो CRC है आपका, CWC है आपका सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, और CRWC है आपका सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी. तो इन दोनों का मर्जर कैबिनेट ने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है. आगे बात की जाए तो मिजोरम ने अनाउंस किया है कि ज़्यादा बच्चों पे 1,00,000 तक का आपको इंसेंटिव मिलेगा. ठीक है, ऐसा माना जा रहा है, मतलब वहाँ के CM का ये कहना है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उस पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, मिज़ो के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए वहाँ पे 1,00,000 का इंसेंटिव दिया जाएगा. तो स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ मिज़ोरम रॉबर्ट रोमाविया रोयते हैज़ अनाउंस्ड अ कैश इंसेंटिव ऑफ ₹1,00,000 फॉर हैविंग मोर चिल्ड्रन. Highlights ₹1,00,000 would be given to living parent with highest number of children in minister's constituency to encourage population growth among the demographically small Mizo communities. वहीं अगर भी आपने UP की भी न्यूज़ सुनी हो तो उसमें कहा गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. आगे बात करते हैं तो ज़ाइकोव डी, ये आपकी फर्स्ट DNA बेस्ड वैक्सीन होगी. इसके नाम से ही पता चल रहा है ज़ाइकोव, यानी कि इसको किसने निकाला है, जाइडस कैडिला ने निकाला है, तो ये अपन याद रख लेंगे इसका नाम. यानी कि जाइडस कैडिला निकालेगा फर्स्ट DNA बेस्ड वैक्सीन, जिसका नाम क्या होगा, ज़ाइकोव डी होगा. आगे बात करें तो वर्ल्ड फर्स्ट GM रबर प्लांट इन असम. यानी कि GM बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाई, तो ऐसा जो फर्स्ट आपका प्लांट लगेगा रबर का, वो कहाँ लगेगा, तो असम में. ये बात अपन को याद रखनी है. आगे बात करें तो उड़ीसा ओनली स्टेट टू हैव ऑल 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल्स. यानी कि एक उड़ीसा ही है जिसमें रेप्टाइल्स, आपके क्रोकोडाइल्स मिलते हैं 3 स्पीशीज के. अभी क्या है, एक येलो वाटरमेलन को कमर्शियली इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उसका नाम येलो गोल्ड 48 रखा गया. यानी कि वाटरमेलन आपके रेड कलर का तो बेसिकली मिल ही जाता है, तो अभी एक आपका येलो कलर का भी है जिसका येलो गोल्ड 48 नाम रखा गया है, और उसको कमर्शियली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. इनके अभी बेचा जा सकता है. आगे बात करें तो जापान टू अलाउ 10,000 लोकल फैंस एट ओलंपिक्स. अभी बात चल रही है कि जापान में ओलंपिक्स होंगे, तो वहाँ 10,000 लोगों को अलाउ किया जाएगा, बाकी देखते हैं. UN इंडिया इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट FTI रेसिपियंट इन 2020. यानी कि FTI के
तौर पे इंडिया को पांचवें नंबर पे रखा गया। FDI का क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितने लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पांचवें नंबर में भारत इस श्रेणी में आता है, जिसमें मतलब लोग इतने ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये अपन को याद रखना है कि FDI में भारत पांचवें नंबर पे आता है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है, तो ये आपकी कोविड की ही एंटीबॉडीज़ है। रिसेंटली साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल नेम्ड RegenCov2। एंटीबॉडी हैज़ बीन फाउंड टू बी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट फॉर सेवरल अफेक्टेड COVID-19 पेशेंट्स। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ दैट परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ आर इम्यून सिस्टम, यानी कि क्या करेंगे ये इम्यून सिस्टम के ही क्लोन्स वगैरह है, उसी के ही प्रॉक्सी एंटीबॉडीज़ है। आगे बात करें तो एम योगा ऐप, ये कब लॉन्च किया गया था भाई, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को लॉन्च किया गया था, योग से सहयोग तक, और इसके लिए एम योगा ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, बस इतना याद रखना अपन को काफ़ी है। ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्ट्री NCERT पार्टनर फॉर निष्ठा, NCERT ने पार्टनर किया है निष्ठा के साथ, किसमें, ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री में भी। आगे बात करें तो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड अनअर्थ, यानी कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड निकाला गया है, जो कि दूसरे के मुकाबले थोड़ा सा ही बड़ा है, पर हाँ बड़ा है। दिब्सवाना डायमंड कंपनी हैव अनअर्थ, और ये सब कहाँ निकलेंगे, तो सारी ये गोल्ड डायमंड और प्लैटिनम, आपकी सारी ज्वेलरी अफ्रीका में लार्जेस्ट रूप में पाई जाती है, तो वहीं पाया गया है। दिब्सवाना डायमंड कंपनी हैव अनअर्थ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड इन ज्वानिंग माइन ऑफ बोट्सवाना इन साउथ अफ्रीका। की पॉइंट्स, बोट्सवाना इज कॉल्ड इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स इन अफ्रीका। डायमंड वेइंग 1098 कैरेट्स वॉज प्रेजेंटेड टू प्रेजिडेंट मॉकवेत्सी मेसिसी आफ्टर इट वॉज अनअर्थ। इट वेज अ लिटिल लेस देन वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट 1109 कैरेट लसीडी ला रोना डायमंड। ठीक है भाई, तो बस इसको इतना ही याद रखना है कि कहाँ पे निकला है, अफ्रीका में निकला है, कौन सी माइन से निकला है, तो ज्वानिंग माइन से निकला है, और देवस्वाना डायमंड कंपनी ने इसको निकाला है, बाद में इसको वहाँ के प्रेसिडेंट जो कि मेसिसी थे उनको गिफ्ट कर दिया गया है, और थर्ड है ये। ठीक, आगे बात करते हैं, हेबल नागावारा वैली प्रोजेक्ट, हेबल नागावारा वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है, बस इतना याद रखना है। इसमें है क्या कि ना 6000 पेड़ जो काटे जा रहे हैं ना, उसी पे विरोध चल रहा है, क्योंकि 6000 पेड़ जो काटे जाएंगे फिर ये आपका वैली प्रोजेक्ट बनेगा, तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं इतने सारे पेड़ तो नहीं काटने, तो बस यही आपका सीन चल रहा है। तो हेबल नागावारा वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है आपका, तो आपको इतना याद रखना है, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में। आगे बात करते हैं, स्टाइगेरेक्टस केरलेंसिस न्यू टार्डीग्रेड स्पीशीज नेम्ड आफ्टर केरला, यानी कि ये होता क्या है, तो एक ठोस सा कोई जीव होता है, वो पाया गया है, कहाँ पे पाया गया है, तो केरला में पाया गया है। टाइनी और टफ होती है इसकी बॉडी, और बस आपको इतना याद रखना है कि स्काईगेक्टस केरला, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। जापान टू इशू COVID-19 वैक्सीन पासपोर्ट, यानी कि जापान क्या करेगा, COVID-19 का वैक्सीन वाला पासपोर्ट इशू करेगा, जो जो वैक्सीन लगाएगा उसको पासपोर्ट इशू हो जाएगा। वॉट इज़ AY1 वेरियंट ऑफ कोरोना वायरस, तो इसके क्या है नाम रखे गए थे, जैसे कि AY1, B2 ऐसा कुछ कुछ इसके नाम थे। रिसेंटली WHO टैग्ड B1617.2 स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस एज डेल्टा वेरियंट, विच नाउ हैज फर्दर म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ डेल्टा वेरियंट इज बींग टर्म्ड एज डेल्टा प्लस और AY1 वेरियंट। की पॉइंट्स, डेल्टा वेरियंट वॉज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन इंडिया। तो ये क्या है, एक डेल्टा प्लस वायरस है जो कि कोरोना वायरस से ही रिलेट करता है। GI सर्टिफिकेट जलगांव बनाना एक्सपोर्टेड टू दुबई, यानी कि जलगांव बनाना जो था वो दुबई में एक्सपोर्ट किया गया है, और आपको ये भी याद रखना है कि इसको GI सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट। कंसाइनमेंट ऑफ फाइबर एंड मिनरल रिच जलगांव बनाना वॉज एक्सपोर्टेड टू दुबई ऑन 16 June 2021, मार्किंग अ मेजर बूस्ट टू एक्सपोर्ट। की पॉइंट्स, जलगांव बनाना इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। 22 meters टन्स ऑफ जलगांव बनाना वर सोर्स्ड फॉर प्रोग्रेसिव फार्मर्स ऑफ तंडलवाड़ी विलेज, यानी कि याद रखना जलगांव बनाना जो है आपका जलगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जो कि महाराष्ट्र में है और दुबई में इसकी मांग है। आगे बात करें तो न्यूजीलैंड टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, यानी कि फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा भाई, तो न्यूजीलैंड।
और आगे बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट GI सर्टिफाइड जरदालू मैंगोज़ टू UK। जरदालू मैंगोज़ कहाँ पे भाई? UK के अंदर, बिहार से है ये आपका जरदालू मैंगोज़। जैसे कि अभी हमने जलगांव बनाना पड़ा था जो कि आपका महाराष्ट्र पड़ जाता था, और जरदालू मैंगोज़ आपके बिहार के पड़ जाते हैं। बिहार एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट ऑफ GI सर्टिफाइड जरदालू मैंगोज़ फ्रॉम भागलपुर टू द यूनाइटेड किंगडम। जरदालू मैंगोज़ फ्रॉम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट वर गिवन GI सर्टिफिकेशन इन 2018। हाईलाइट्स एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर APEDA इन कोलेब्रेशन विद बिहार गवर्नमेंट, इंडियन हाई कमीशन एंड इन्वेस्ट इंडिया एक्सपोर्टर जरदालू मैंगोज़। ठीक है, बस अपन को तो इतना याद रखना है कि आपका जो जलगांव बनाना थे जो कि महाराष्ट्र के पड़ जाते थे, वो दुबई में एक्सपोर्ट हुए हैं और यानी कि कमर्शली एक्सपोर्ट हुए हैं। ऐसे ही आपके जरदालू मैंगोज़ जो कि बिहार के हैं, आपके यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK में एक्सपोर्ट हुए हैं। ठीक है, कमर्शियली। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड रिलेटेड कन्फ्लिक्ट विद पावर लाइन्स। असल में होता क्या है ना, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपका राजस्थान का एक नेशनल बर्ड है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जब उड़ती है ना तो उसका ध्यान नीचे रहता है, मतलब इसकी खासियत बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, पर इसका ध्यान नीचे रहता है। तो अब ये उड़ते हुए ना नीचे ज़मीन को देखती है, तो इसलिए कई बार तारे से टकरा जाती है और फिर इनको करंट वगैरह लग जाता है और फिर इनकी डेथ वगैरह हो जाती है। तो इनके साथ ये सीन चल रहा है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर मेकिंग इट स्लो टू मैनोवर वाइल फ्लाइंग। दे हैव पुअर फ्रंटल विजन, इनकी सामने देखने का विजन इनका नहीं है, बहुत ही पुअर है। एंड अ हैबिट ऑफ स्कैनिंग अर्थ वाइल फ्लाइंग ओवर फ्लैट ग्रासलैंड्स अक्रॉस वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, और ज़्यादातर नीचे देखना पसंद करती है। एज अ रिजल्ट दे ऑफन कलाइड विद पावर लाइन्स, और यही इशू है कि ये पावर लाइन से टकरा जाती है। नेटो समिट 2021, 31st फॉर्मल मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड ऑन 10 इन ब्रूसेल बेल्जियम। नाटो समिट इज ऑल्सो बीइंग डब्ड एज ब्रूसेल समिट ऑफ नाटो। एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज नाटो लीडर्स डिस्कस्ड की इशूज एंड टुक डिसीजन। ठीक है, इंडिया नहीं है इसके अंदर, वैसे आपको याद रखना है कि ये 2021 में हुआ है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, इंडिया कौन से नंबर पे रहा है? 14th नंबर पे रहा है चैरिटेबल के तौर पे, यानी कि इंडिया ने 14वें नंबर पे चैरिटी की है इस कोरोना वायरस वाले टाइम में। शेंजो 12, चाइनाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिंस 2016। तो 2016 के बाद अब वो फिर से एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट छोड़ रहा है, जिसका नाम क्या है? शेंजो 12। राजा पर्व उड़ीसा का है, फेमस फेस्टिवल है, 3 दिन का है। नोवैक डजोकोविव विक क्लंचेस फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल। फिर से जीत लिया भाई नोवैक ने आपका मैन सिंगल टाइटल। आगे बात करें तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है, इसी डेट के लिए मैंने आप लाया था। पुलित्सर प्राइज़ इस बार का किसको मिला है? तो मेघा राजगोपालन को मिला है। पुलित्सर प्राइज़ वॉज वैसे आपके जर्नलिस्ट वगैरह को मिलता है, ये अगर आपको पता हो तो। पुलित्सर प्राइज 2021 वाज रिसेंटली कन्फर्ड रिसेंटली मेघा राजगोपालन एन इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हैज वॉन द टॉप जर्नलिज्म अवार्ड ऑफ USA ऑन June 11, 2021। हाईलाइट्स, मेघा वॉन द प्राइज अलॉन्ग विद टू कंट्रीब्यूटर्स। शी हैज़ वॉन प्राइज फॉर इनोवेटिव इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट्स एक्सपोजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रिजन एंड मास एंटरटेनमेंट कैंप्स विच वर बिल्ट सेक्रेटली बाय चाइना। ठीक है भाई, तो प्रिजन वगैरह के हालात जो थे उस पर इन्होंने अपना काम किया था और इसी पर इनको पुलित्सर प्राइज़ मिला है। तो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है मेघा राजगोपालन, इनका नाम है। ठीक है, अपन को याद रखना है कि इस बार का पुलित्सर प्राइज़ इन्हें मिला है, पुलित्सर प्राइज़। ठीक है, आगे बात करें तो फेम 2 अमेंडमेंट, ये क्या है भाई? कार्ड्स वगैरह के लिए है, और इसमें अपन को इतना ही याद रखना है कि फेम 2 अमेंडमेंट किसके लिए है? तो आपके टू व्हीलर्स के लिए है। ठीक है, जो इंडिया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाता है उसके लिए है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड मेजर अमेंडमेंट्स इन ऑन गोइंग फेम 2 स्कीम। मिनिस्ट्री हैज़ फिक्स्ड इंसेंटिव फॉर इंडिया मेड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। हाईलाइट विद द रीसेंट अमेंडमेंट्स और प्राइस साइड एंड सब्सिडीज गवर्नमेंट एम्स टू प्रमोट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यूजिंग अक्रॉस इंडिया। रिडक्शन इन प्राइस विल हेल्प इन EV अडॉप्शन एंड स्ट्रेंथन गवर्नमेंट प्लान फॉर मेकिंग इंडिया एन इलेक्ट्रॉनिक वन। ठीक है, तो यानी कि क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपकी चीज़ें हैं टू व्हीलर्स उसके ऊपर ये आया है। तो फेम 2 अमेंडमेंट किससे रिलेट करेगा? तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से करेगा, बस ये बात याद रखेंगे।
आयुष मिनिस्ट्री लॉन्चेस नमस्ते योगा मोबाइल ऐप, तो नमस्ते योगा मोबाइल ऐप ने लॉन्च की है। मेन इंपॉर्टेंट ये पड़ता है कि किसने कौन लॉन्च किया है, तो इसको आयुष ने लॉन्च किया है, ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री ने। किसके एसोसिएशन में, तो मोरारजी देसाई के, देखिए सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन एसोसिएशन विद मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, रिबेका ग्रीनस्पैन फर्स्ट वुमेन टू हेड UNCTAD। UN जनरल असेंबली हैज़ अप्रूव्ड नॉमिनेशन ऑफ रिबेका ग्रीनस्पैन टू हेड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। शी इज़ एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम कोस्टा रिका। की पॉइंट क्या है इसके, शी विल द फर्स्ट वुमेन एंड सेंट्रल अमेरिकन टू लीड गवर्नर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन UNCTAD। तो अपन को याद रखना है रिबेका को रखा गया है, फर्स्ट वुमेन है, UNCTAD यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट से बिलोंग करती है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेट अप टू COE, CEO नहीं है, COE है, यानी कि आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन्होंने बनाए हैं, एक तो है आपका सीमा सड़क भवन इन न्यू दिल्ली। हैव बीन एस्टैब्लिश टू अचीव एक्सीलेंस इन रोड सेफ्टी टू फॉस्टर ग्रोथ और ग्रोथ वगैरह के लिए बनाए गए हैं, बस ये अपन को याद रखना है, सीमा सड़क भवन दिल्ली पे। फ्लिपकार्ट टू लीड मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, मेडिसिन स्काई प्रोजेक्ट से इसने फ्लिपकार्ट ने आपका शुरू किया है तेलंगाना के साथ मिलकर। तो फ्लिपकार्ट ने मेडिसिन वगैरह लॉन्च की अपना ड्रोन वगैरह से स्काई प्रोजेक्ट के तहत। तो ई कॉमर्स जायंट फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर्ड विद तेलंगाना गवर्नमेंट टू लीड मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट कंसोर्टियम हैज़ बीन टास्क्ड विद डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ड्रोन डिलीवरीज ऑफ मेडिकल सप्लाइज टू रिमोट एरियाज अंडर द प्रोजेक्ट। तो यानी कि, और आपको पता ही होगा वॉलमार्ट ने वॉलमार्ट को खरीद रखा है फ्लिपकार्ट ने, ठीक है, तो वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट कंपनी है ये, इसने मेडिसिन वगैरह स्काई प्रोजेक्ट से शुरू किया। आगे बात करें तो महाराष्ट्र का एक्शन प्लान टू प्रोटेस्ट हेरिटेज ट्रीज़, हेरिटेज ट्रीज़ को बचाने के लिए, यानी कि वो ट्रीज जो 50 साल या फिर उससे ज़्यादा उम्र के हैं उनको बचाने के लिए अर्बन एरियाज में महाराष्ट्र ने एक एक्शन प्लान बनाया है। यानी कि बस आप याद रखें कि अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हेरिटेज ट्रीज़ को बचाने का प्रोजेक्ट किस राज्य ने स्टार्ट किया हुआ इंडिया के अंदर, तो आपका महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा उसमें। मई ने रिकॉर्ड की है सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल इन 121 ईयर्स। आगे बात करें तो देहिंग पटकाई 7th नेशनल पार्क ऑफ असम, यानी कि असम में आपको टोटल आपके 7 नेशनल पार्क्स हो गए हैं और देहिंग पटकाई 7वां है आपका। असम गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड देहिंग पटकाई एज अ नेशनल पार्क विच वॉज द लास्ट रिमेनिंग स्ट्रेचेज ऑफ द असम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। की पॉइंट क्या है, दिस नोटिफिकेशन कम्स 4 डेज आफ्टर क्रिएटिंग 422 स्क्वायर किलोमीटर रायमोना नेशनल पार्क इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है, तो अब 7 नेशनल पार्क हो गए, 7 का कौन सा है, धींग पटकाई। आगे बात करें तो ATM कैश विड्रॉल रूल चेंज, कुछ चेंज किया गया है इनके रूल में, RBI ने चेंज किया है इनके विड्रॉल वगैरह पे, आपके रूल्स में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में अगर बात की जाए तो इंडिया 12वें नंबर पे है, ठीक है। इंडिया हैज़ मूव डाउन बाई 12 स्पॉट्स इन ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स बिकॉज प्रॉपर्टी प्राइस इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड एमिड COVID-19 पेंडेमिक। Highlights this year, India has been ranked at 55th position, while during quarter one, India ranked 43. 12 नंबर से क्या हुआ है और गिर चुका है इसका स्तर, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, COVID-19 की वजह से प्रॉपर्टी के रेट गिरे थे इसलिए हुआ है। आगे बात की जाए तो गूगल टू बिल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल इन द वर्ल्ड। ये याद रखना है कि भाई अल्फ़ाबेट गूगल जो है आपकी वो करेगी सबसे बड़ा आपका केबल नेटवर्क अंडर सी प्रोजेक्ट में, ठीक है, पूरे विश्व में। आगे बात करें तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 1920, तो ऑल इंडिया ने सर्वे करवाया था, ऑल इंडिया सर्वे ने, कि हायर एजुकेशन पे कैसा अपना चल रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ रिलीज्ड लेटेस्ट एडिशन ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। एज पर द सर्वे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल सर्वे हैव इंक्रीज टू 135 विच अकाउंट्स फॉर 80% इन लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि 80% है अभी है, जो कि 135 है। आगे बात करें तो 2 स्पीशीज ऑफ मोनाल साइटेड टुगेदर इन अरुणाचल प्रदेश, मतलब ऐसी 2 स्पीशीज दिखी है जो आपको पंछी दिख रहा है, मोनाल बर्ड ऐसा कुछ 2 पंछी दिखाई दिए हैं, 2 स्पीशीज जो कि क्या है, एक दुर्लभ ही है, इनकी माना जाता है कि एक्सटेंट पे है, ख़त्म होने वाली है, तो उन्हें देखा गया अरुणाचल प्रदेश में, तो एक बड़ी बात सी बनती है। 2 स्पीशीज ऑफ मोनाल्स वर साइटेड टुगेदर बाय लोकल वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश। मोनाल्स इज अ कलर प्रेजेंट
कलरफुल एक बर्ड होता है आपका। हाइलाइट्स वन डिस्कवर्ड स्पीशीज इन वाइल्ड हिमालय मोनाल आल्सो कॉल्ड एज लोफोफोरस एम्पीजेनस। ठीक है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में पाई गई थी। अनूप चंद्रा पांडे अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर, ये याद रखना है अनूप को या फिर अनूप चंद्रा पांडे, इनको क्या बनाया गया है, अपॉइंटेड किया गया है एज द इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। इससे पहले कौन थे, सुनील अरोरा थे। ठीक है, थोड़ी बहुत तो ये आपको पता ही होगा। सुनील छेत्री पासेज लियोनल मेसी इन इंटरनेशनल गोल्स, तो सुनील छेत्री ने इस पर लियोनल मेसी को हराया है। 36 ईयर्स ओल्ड इंडियन फुटबॉल सुनील छेत्री हैज़ सरपास्ड अर्जेंटीनाज लियोनल मेसी एंड हैज़ बिकम सेकेंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर विथ 74 स्ट्राइक्स। हाईलाइट्स, छेत्री नाउ लीड्स बार्केलोना स्टार मेसी बाय 2 गोल्स एंड इज प्लेस्ड अबव अली मकतबोत ऑफ UAE हु इज़ एट 3rd प्लेस विद 73 स्ट्राइक्स। ठीक है भाई, सबसे ऊपर अब ये है। तो इनका स्पोर्ट का नाम अपन को याद रखना है कि सुनील छेत्री फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, 74 स्ट्राइक्स इन्होंने लगाई है, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सुनील छेत्री 74 स्ट्राइक्स फुटबॉल, तो भी याद हो जाएगा ये। तो अभी फर्स्ट नंबर पे यही है। असम टू प्रोवाइड भारत रत्न एंड पद्म लाइक अवार्ड, जैसे कि होते हैं ना कि पूरे अपने भारत के होते हैं कि सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, भारत रत्न, उसके बाद पद्म अवार्ड या फिर जो भी, तो ऐसे असम भी अपने अवार्ड्स निकालेगा जिसका नाम उसने रखा है असम रत्न अवार्ड्स। तो ये दिए जाएंगे भाई अच्छे काम करने वालों को, ताकि लोग मोटिवेट हो अच्छे काम करने के लिए, और क्या। तो ऐसा कुछ असम ने भी अनाउंस किया है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग ने चलाया है, ये मेन बात याद रखने की है इसमें, और हेल्थ केयर वगैरह के लिए लगाया गया है ये भी, COVID-19 की वजह से पेशेंट्स के लिए जिनको माइल्ड सिम्टम्स वगैरह थे। दिल्ली जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन, यानी कि वोट के थ्रू भी, मतलब वोट की जगहों पर भी इस चीज़ को मोटिवेट किया जाएगा कि भाई जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वही वोट देने आए, ऐसा मतलब बोला जाएगा। तो एक वोट से जोड़ा जा रहा है इसको, वैक्सीनेशन को। तो किसने किया है भाई स्टार्ट, तो दिल्ली ने किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, यानी कि अपने CM अरविंद केजरीवाल जी ने। आगे बात करें तो गोवा टू रीस्टोर फोर्ट्स एंड टेम्पल्स ऑफ शिवाजी, तो गोवा ने फिर से सोचा है कि फोर्ट्स वगैरह और जो टेम्पल्स हैं शिवाजी वगैरह के, उनको रीस्टोर करेगा, उनकी देख रेख फिर से स्टार्ट की जाएगी। आगे बात करें तो रायमोना 6 नेशनल पार्क ऑफ असम, अभी हमने सेकंड पढ़ा था वो कौन सा था, आपका दिहिंग पटकाई था, ये आपका रायमोना है जो कि 6th नेशनल पार्क है। अब टोटल 7 नेशनल पार्क है, बाकी और 5 की बात करें तो आप नीचे से 3rd लाइन में देख सकते हैं। असम हैज़ 5 नेशनल पार्क्स विच इज़ काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरैंक, और 6th रायमोना, और 7वां आपका दिहिंग पटकाई। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से 7 हो गए। आगे बात करें तो पीएम मोदी लॉन्चेस E100 प्रोजेक्ट, ये E100 प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली इन्वायरमेंट डे पे इसको लॉन्च किया गया था, इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। इसका अंदर क्या है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेड E100 पायलट प्रोजेक्ट ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इन पुणे में लॉन्च किया। सबसे पहली बात तो याद रखनी है, एक एथेनॉल होता है उसको क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से मंगाया जाता है, तो उसका पूरा का पूरा सेटअप इंडिया में लगाने की बात हो रही है, उस पे बेस है ये, उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सेटअप इंडिया में ही लगे और उसको इंपोर्ट वगैरह का कोई छूना उसका, तो उसके लिए बेसिकली किया गया है। तो ऐसा याद रख सकते हैं, E100 तो एथेनॉल, और एथेनॉल तो एनवायरमेंट डे, तो सब कुछ ई से बिलोंग कर रहा है। अब E100 प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च विद द एम ऑफ सेटिंग अप अ नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथेनॉल इन इंडिया, एंड किसका प्रोडक्शन करें और डिस्ट्रीब्यूशन करें इंडिया में एथेनॉल का। हाईलाइट्स क्या है, तो PM also launched report for the expert committee on roadmap for ethanol blending in India. It was released in the line with the theme of World Environment Day, promotion of biofuels for a better environment. यानी कि इस बार का थीम क्या रहा है इन्वायरमेंट डे का, तो वो क्या है कि बायोफ्यूल्स को प्रमोट करना है ताकि इन्वायरमेंट बेटर हो सके। आगे बात करें तो हरियाणा टू क्रिएट 80 एकर्स ऑफ ऑक्सी वन, यानी कि वन वगैरह आपके लगाए जाएंगे, तो ऑक्सी वन नाम से किसने रखा है, तो हरियाणा ने रखा है। ये स्कीम किसने स्टार्ट की है, तो हरियाणा ने स्टार्ट की। कब स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस है आपका जून में, तो एक ऐसा एक ही तारीख पड़ती है जिस दिन वन सा कुछ हो सकता है या फिर ग्रीनरी पे कोई कुछ प्रमोट कर सकता है, तो ये सारा आपका 5 जून का ही है इन्वायरमेंट डे का।
ठीक है, तो उसी दिन हरियाणा ने ये लॉन्च किया था। वहाँ के सीएम ने, जो कि मनोहर लाल खट्टर, अनाउंस टू क्रिएट 80 acres ऑफ ऑक्सी-1 इन करनाल डिस्ट्रिक्ट। इट वॉज अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन June 5, 2021। ऑक्सी-1 विल कंसिस्ट ऑफ 10 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हाईलाइट्स ऑन द ओकेजन, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, एनकरेजिंग प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज एंड द क्रॉप्स। ठीक है भाई, तो ये आपको ऑक्सी-1 कहाँ से बिलोंग करता है, तो हरियाणा से बिलोंग करता है। लद्दाख लॉन्चेस याउन टैब स्कीम, तो लद्दाख ने याउन टैब स्कीम लॉन्च की है आपकी। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स वगैरह को दी जाएगी एजुकेशन के लिए, इसमें टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लेह लद्दाख के अंदर। ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा ही ये आपका किया गया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि थे आर.के. माथुर, उन्होंने ये चीज़ लॉन्च की है। आगे बात करें तो IISER गेट्स पेटेंट फॉर ब्लैक पेपर माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीशीज रिसर्च कोट पेटेंट फॉर ब्लैक पेपर माइक्रो न्यूट्रिएंट फोलियो फॉर्मुलेशन फॉर विच इट हैड सबमिटेड एप्लीकेशन इन 2013। की पॉइंट्स क्या है इसके कि सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर पेटेंट इन 2013 टू द पेटेंट ऑफिस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अब ब्लैक पेपर का पेटेंट किसको मिल गया है, तो IISER को मिल गया है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीशीज रिसर्च। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। 3 caves फाउंड इन बुद्धिस्ट केव्स कॉम्प्लेक्स नासिक। नासिक में 3 caves पाई गई है भाई बुद्धिस्ट की, बस ये बात याद रखनी है। आगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लाइफ टाइम कर दिया जाएगा, यानी कि 7 years टू लाइफ टाइम विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2011, यानी कि 2011 के बाद वाले से। ठीक है, अगर आपने 2011 के बाद से सीटेट पास किया है तो वो लाइफ टाइम है। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि नीति आयोग ने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया है, जिसमें केरला ने टॉप किया है 75 rank के साथ। उसके बाद फिर अगर वर्स्ट की बात की जाए तो बिहार, झारखंड और आसाम है जो कि वर्स्ट परफॉर्मर है इनके अंदर। बाकी केरला ने लीड किया है और 75 उसकी रैंक रही है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करें इसकी, नाओमी ओसाका विड्रॉज फ्रॉम फ्रेंच ओपन। नाओमी ओसाका ने अपना नाम वापस ले लिया फ्रेंच ओपन से। ठीक है, ये भी याद रखना है क्योंकि उनको फाइन किया गया था एक पिछले में, देखिए मैं आपको बढ़वा देती हूँ। नाओमी ओसाका अनाउंस्ड हर विथड्रॉल फ्रॉम रोनाल्ड गैरोस 2021 आफ्टर शी वॉज फाइंड बाय फ्रेंच ओपन। व्हाट वॉज द इशू, तो फ्रेंच ओपन फाइंड हर $15,000 एंड वॉन्ट दैट शी कुड फेस एक्सपल्शन फ्रॉम टूर्नामेंट बिकॉज शी डिसाइडेड नॉट टू स्पीक विद प्रेस ड्यूरिंग टूर्नामेंट, यानी कि उसने प्रेस वगैरह से बात नहीं की थी टूर्नामेंट के टाइम, तो उसके लिए ही उसको फाइन किया गया, तो अब उसने विदड्रॉ कर लिया है फ्रेंच ओपन से, जापान से बिलोंग करते हैं आपके। AR रहमान कंपोजेस ओडिशा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 एंथम, यानी कि वहाँ का जो एंथम होगा जय हिंद जय इंडिया, वो हॉकी का वर्ल्ड कप का एंथम किसने गाया है, तो AR रहमान ने गाया है। कहाँ के लिए, ओडिशा मैन हॉकी कप के लिए। इंडिया रैंक 10th इन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि 10वें नंबर पे उसको रखा गया है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। सबसे अच्छी रैंक किसकी रही है, तो बता दें चाइना की, पाकिस्तान की 79 रही है। आगे बात करते हैं, GOI एक्सटेंड टेन्योर ऑफ नीति आयोग CEO अमिताभ कांत, यानी कि इनका टेन्योर टाइम पीरियड जो है बढ़ा दिया गया है नीति आयोग के CEO का। इंडिया कट्स क्रूड पाम ऑयल इंपोर्ट टैक्स, यानी कि इंडिया ने क्या किया, वह इंपोर्ट टैक्स घटाया है अपना 15-10% तक 3 महीने के अंदर। दिस न्यू ड्यूटी वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 30 June 2021। की पॉइंट्स क्या है, इंडिया इज़ वर्ल्ड बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल बट इट हैज़ बीन स्ट्रगलिंग टू ब्रिंग डाउन एडिबल ऑयल प्राइसेस, दस डिसीजन टू रिड्यूस द इम्पोर्ट टैक्स। ठीक है भाई, तो इसलिए इम्पोर्ट टैक्स को रिड्यूस करने का डिसीजन एक आपका लिया गया है। आगे बात करें तो ये तो वैक्सीनेशन के लिए है, हाँ ये रहा। मॉडर्ना इंडिया लाइसेंसेस 4th कोविड वैक्सीन, इंडिया ने चौथी एक कोविड वैक्सीन को लाइसेंस कराया है अपने नाम। ड्रग रेगुलेटर ऑफ इंडिया DCGI हैज़ अलाउड मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला टू इंपोर्ट मॉडर्ना COVID-19 वैक्सीन फॉर रेस्ट्रिक्टेड एमरजेंसी यूज़ इन इंडिया, यानी कि ये याद रखना सिंपल, तो कि मॉडर्ना है किसकी, तो सिप्ला की है।
की पॉइंट क्या है मॉडर्ना के, इज गोइंग टू बी द फोर्थ कोविड 19 वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया आफ्टर कोवैक्सिन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक। स्पुतनिक आपकी रशिया की है, ठीक है। अबाउट एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोविशील्ड, दिस वैक्सीन इज लोकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब ये दो चार नाम लिखे हुए हैं, इसके बात कर लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी की, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोविशील्ड, दिस वैक्सीन इज लोकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इट वॉज क्रिएटेड यूजिंग अ वीकेंड वेरियंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस कॉल्ड इडिनो वायरस फ्रॉम चिम्प्स। दिस वायरस हैज़ बीन अल्टर्ड टू रिजेंबल कोरोना वायरस विच विल बूस्ट इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी कि एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस करेगी। बात करें कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन क्या है, एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इट हैज़ बीन मेड विद कोरोना वायरस आफ्टर किलिंग दैम, यानी कि कोरोना वायरस से ही बनी है उसको मारने के बाद। दज इट इज़ सेफ टू इंजेक्ट इन टू बॉडी, इट वॉज क्रिएटेड एंड बींग मैन्युफैक्चर्ड बाई भारत बायोटेक। इम्यून सेल्स इन बॉडी हैव एबिलिटी टू रिकनसाइज recognized dead virus after it has been injected. It prompts immune system to produce antibodies against the coronavirus. ठीक है भाई, तो कोवैक्सीन में अगर हम बात की जाए तो इन्फेक्टेड वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड। इसके अंदर होता क्या है कि कोविड के ही जो आपके कोरोना वायरस के ही जो डेड होते हैं सेल्स वगैरह, उसी को ही डाल दिया जाता है बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी क्या करे, उसके साथ रहने की एक आदत डाले, फिर इम्यून सिस्टम बढ़ जाए। स्पुतनिक वैक्सीन की बात की जाए तो दिस वैक्सीन वॉज क्रिएटेड बाय गैमलिया इंस्टीट्यूट इन रशिया। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ हार्मलेस कोल्ड टाइप वायरस एज अ कैरियर विच विल डिलीवर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कोरोना वायरस इन द बॉडी, यानी कि इसमें भी बेसिकली कोरोना वायरस इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर। बॉडी देन स्टार्ट्स टू मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज विच वर स्पेसिफिकली अडॉप्टेड टू कोरोना वायरस आफ्टर बींग वैक्सीनेटेड। तो मॉडर्ना वैक्सीन की बात कर ली, तो मॉडर्ना मेथड ऑफ क्रिएटिंग वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड 19 इज बेस्ड ऑन मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए। एमआरएनए हेल्प्स द सेल टू जनरेट इम्यूनिटी अगेंस्ट कोरोना वायरस, यानी कि भी कोरोना आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। दिस वैक्सीन अलॉन्ग विद पी या फिर फाइजर इज बींग प्रेफर्ड अमंग वेल्दी कंट्रीज, दे आर मोर देन 90% इफेक्टिव एट प्रिवेंटिंग कोरोना वायरस। तो ये भी 90% तक इफेक्टिव है और से मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, जो उसकी बेसिक रहेगी। यानी कि पूछा जाए कि एमआरएनए किस पे बेस है, तो मॉडर्ना वैक्सीन उस पे बेस है। आगे बात करते हैं, रशिया बिगेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ फिफ्थ न्यूक्लियर पावर प्लांट एट कुदांकुलम। ठीक है भाई, तो कुदांकुलम आपकी जगह कहाँ है, तो तमिलनाडु के अंदर है। रशिया ने स्टार्ट कर दिया अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे बनाना। आगे बात करते हैं, चाइना सर्टिफाइड मलेरिया फ्री, चाइना को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है, खुद कोरोना फैला के मलेरिया फ्री हो रहा है। तो यूरोपियन यूनियन ग्रीन पास लिस्ट क्या है, तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी हैज़ एक्सक्लूडेड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर्ड कोविशील्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वैक्सीन ऑफ ग्रीन पास एज पर EMA। वैक्सीन हैज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव मार्केटिंग ऑथोराइजेशन इन यूरोपियन यूनियन। ठीक है भाई, तो कोविशील्ड को निकाल दिया गया है, उसको सर्टिफिकेट ग्रीन पास नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग ऑथोराइजेशन नहीं है यूरोपियन यूनियन में। तो आपको उसे याद रखना है कि किसको निकाला गया, तो कोविशील्ड को। नासा टू क्रिएट कंप्यूटर मॉडल्स टू प्रोटेक्ट डेल्टा सिस्टम, यानी कि डेल्टा सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम कौन बनाएगा, तो नासा बनाएगा, एक नंबर का ये याद रखना है आपको। आगे बात करें तो पी साईनाथ अवार्डेड 2021 फुकुओका प्राइस। तो भाई फुकुओका प्राइस मिला है इनको, एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है पी साईनाथ। अगर आपको याद हो तो आज हमने पुलित्जर प्राइस की बात की थी, जो कि एक इंडिया बेस्ड ओरिजिन वुमन को मिला है, मेघा राजगोपालन जिनका नाम था। ठीक है, तो अगला अवार्ड हम ये पढ़ रहे हैं, पी साईनाथ अवार्ड, पी साईनाथ को अवार्ड मिला है फुकुओका प्राइस। ठीक है, जर्नलिस्ट है ये भी। की पॉइंट्स क्या है इनके, तो ग्रैंड प्राइज ऑफ फुकुओका प्राइस इनको मिला है। फुकुओका प्राइस की बात करें तो उसके नाम से पता चल रहा है जापान से बिलोंग करता होगा ये प्राइस, तो वही है ये आपका। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में इनको मिला है। हु इज पालागुम्मी साईनाथ, यानी कि पी साईनाथ या फिर पालागुम्मी साईनाथ कौन है, तो ही इज़ एन इंडियन जर्नलिस्ट एंड ऑथर ऑफ बुक कॉल्ड एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट। ही हैज़ बीन एक्टिवली कंपेनिंग फॉर फार्मर्स इशू एंड बैक्ड संयुक्त एकता मोर्चा दैट लीड्स फार्मर्स एगिटेशंस इन इंडिया।
ही वॉज अवॉर्डेड विद रमन मगसेसे अवार्ड इन 2007 बिकॉज ही बिलीव जर्नलिज्म इज़ फॉर पीपल नॉट फॉर शेयर होल्डर्स. ही फाउंडेड पीपल अचीव ऑफ रूरल इंडिया या फिर PARI इन 2014, यानी कि परी नाम की एक संस्था इन्होंने अपनी फाउंड की थी जिसका नाम परी था, PARI बेसिकली पीपल आर्चीव ऑफ रूरल इंडिया, विच इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फोकसिंग ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, रूरल अफेयर्स, पॉवर्टी एंड आफ्टर मैथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. ठीक है भाई, तो एक जर्नलिस्ट है, बुक्स वगैरह लिखी है, इन्होंने पढ़ा भी हमने एवरीबॉडी लव्स अ गुड ट्रॉट. ठीक है, मैगसेसे अवार्ड इनको मिला हुआ है. संयुक्त एकता मोर्चा से बिलोंग करते हैं ये. ठीक है, किसानों पे थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं, ये सारी बात रही इनके बारे में. असम का बुर्मीज ग्रेप्स एक्सपोर्टेड टू दुबई. तो बुर्मीज ग्रेप्स कहाँ के भाई, तो असम के हैं. कहाँ पे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, दुबई में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं. अभी हमने एक दो चीज़ें और पढ़ी थी पीछे एक्सपोर्ट वगैरह से, एक तो दुबई में ही एक्सपोर्ट हो रहा था और एक आपका UAE में, यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट हो रहा था. ठीक है, आगे बात करें तो UK ने बैन कर दिया है वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, ये बात अपन को याद करनी है. तो UK ने बैन किया है ये. Amazon वेब सीरीज एक्वायर्स एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप विकर. Amazon ने विकर को एक्वायर कर लिया है. तो अपन को याद रखना है कि Amazon ने विकर को क्या किया है, एक्वायर किया है. एक एनक्रिप्टिंग मैसेजिंग ऐप है विकर, उसको एक्वायर किया है किसने, Amazon ने. एक नंबर का क्वेश्चन अपन को याद रखना है. आगे बात करें तो बेंगलुरु का सुबर्बन रेल प्रोजेक्ट, इसमें अपन को क्या याद रखना है कि सुबर्बन रेल प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो बेंगलुरु कर्नाटका का है, और बात याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है. आगे बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया है, इस बार हायर किया है एक पहले डिसेबल एस्ट्रोनॉट को. बात करें तो इनकी टीम क्या बनेगी, तो 22 मेंबर का एक टीम होगा जो कि स्पेस में जाएगा, उसके अंदर इस डिसेबल पर्सन को भी डाला जाएगा जो कि ESA का पहला डिसेबल एस्ट्रोनॉट कहलाएगा. ठीक है, तो अभी तक ये बात चल रही है बस. आगे बात करें तो ESA की इसमें 22 मेंबर स्टेट का पूरा ही ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 22 मेंबर कुल आते हैं. एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, हेडक्वार्टर पेरिस में है, बस इतनी बात इंपॉर्टेंट रखती है इसमें. आगे बात करें तो नासा की बात कर लेते हैं. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका नासा इज़ एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ US एंगेज इन सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च. इट वॉज स्टैब्लिश इन 1958, यानी कि 1958 में इसका क्या था, स्थापना दिवस आप मान सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं. इसके अंदर इंक्लूडिंग कौन है, तो अपोलो मून लैंडिंग मिशन, स्पेस शटल, स्काईलैब, स्पेस स्टेशन, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. आगे अगर बात की जाए इसकी, तो आगे क्या है, फेम स्कीम है. फेम स्कीम मैंने आपको बताया था अभी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से अपना क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो एक्सटेंड कर दिया गया है फेम स्कीम को 2024 तक. गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज़ टू, यानी कि फेम फेज़ टू बाय 2 years. हाईलाइट्स, इनिशियली फेम स्कीम वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, नाउ इट विल इनफोर्स टू टिल 31st March 2024. तो फेम स्कीम बेसिकली क्या है, उन व्हीकल्स के लिए है जो इलेक्ट्रिक के थ्रू आपके चलेंगे. ठीक है, तो इनका मैन्युफैक्चर और जो भी था इनका अडॉप्शन, वो 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. पीछे भी एक फेम की न्यूज़ पढ़ी थी हमने, उसमें भी यही था कि जो आपके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है उनके लिए स्कीम बताई गई थी. तो आपको बस इतना ही याद रखना है, और बाकी इसको एक्सटेंड कर दिया 2024 तक के लिए. आगे बात करें तो गोवा फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट बना है, ये अपन को याद रखना है. गोवा हैज़ बिकम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू CM प्रमोद सावंत. स्टेट हैज़ नॉट रिपोर्टेड अ सिंगल रेबीज केस इन लास्ट 3 years, 3 सालों में एक भी केस नहीं देखा गया है, इसलिए वो पहला स्टेट बन गया है जो कि आपका रेबीज फ्री है. आगे बात करें तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर एनहेंस किया है पिनाका रॉकेट्स का. ठीक है भाई, तो इनकी रेंज क्या होती है, एक एक्सटेंडेड रेंज तक इसको फायर किया जा सकता है. और टेस्ट फायर वॉज कैरिड एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चंडीपुर उड़ीसा ऑन June 25. तो यहाँ पे इसको टेस्ट किया गया है. ठीक है भाई, पिनाका रॉकेट्स किसके हैं, DRDO के हैं, इतने याद करने हैं. आगे बात करें इतत ए द्वार ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ IT अपलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है भाई, तो इतत ए द्वार क्या है, आपका ई फाइलिंग पोर्टल है IT अपलेट ट्रिब्यूनल के लिए. तो ये नाम याद रखना है, इतत ए द्वार. स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है 2020. स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 वॉज अनाउंसड अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन ऑन June 25. तो कौन सा स्टेट इसमें विनर रहा है, तो भाई UP रहा है, उत्तर प्रदेश. ठीक है, ये बात याद करने की है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड में आपका विनर कौन रहा है, तो उत्तर प्रदेश रहा है. ठीक है, मध्य प्रदेश सेकंड आया है और तमिलनाडु थर्ड आया है. और अगर बात की जाए परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो सूरत और इंदौर ने भी
बेस्ट अवार्ड लिया है, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या बनता है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको, किसने जीता है इसको, तो यूपी ने जीता है। आगे बात करें तो वॉरेन बफेट एग्जिट फ्रॉम द गेट्स फाउंडेशन। वॉरेन बफेट ने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया है। वॉरेन बफेट चेयरमैन एंड CEO बेक्सकेयर हाथवे रिजाइंड एज अ ट्रस्टी ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, एग्जिट कर दिया है इसको। आगे बात करेंगे केरला केवल प्लस प्रोग्राम की, ये हमने पहले भी देखी हुई है, न्यूज़ रिपीट हो गई है। बेसिकली क्या है कि केवल प्लस प्रोग्राम याद रखना है कहाँ से बिलोंग करता है, तो आपका केरला से बिलोंग करता है। आगे बात करें तो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर इनिशिएटिव, ये भी हम देख चुके हैं पहले, तो इंडिया और भूटान की न्यूज़ है। सो इस प्रकार अपन लोगों की सारी न्यूज़ कंप्लीट होती है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और द शेयर बटन और द थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।